हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आज के इस क्लास में हम लोग शिक्षण अभिक्षमता जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके फोर्टी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आप सभी को पता ही है कि झारखंड बी एंट्रेंस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चंस आएंगे तो फोर्टी क्वेश्चन आएंगे कितने में हंड्रेड में फोर्टी क्वेश्चन तो ये हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने के लिए हमें जाना होगा स्टार्ट करते हैं चालीस क्वेश्चन हैं थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही तो आप लोग भी पेशेंस बना करके कंप्लीट जरूर से देख लीजिएगा इसको पी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पहला क्वेश्चन है आज का मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है यह स्टेटमेंट को एक बार आप लोग जरूर से पढ़िएगा इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को क्या करना अभिव्यक्त करना यानी कि एक्सप्रेस करना ये क्या है शिक्षा है एजुकेशन है तो शिक्षा की जो ये परिभाषा है ना ये परिभाषा किसने दी है प्लेटो रूसो विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट को विवेकानंद जी ने दिया है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है यहाँ पर क्या बोला है कि समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य जो एजुकेशन है इसका रियल ऑब्जेक्टिव क्या है व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति पूर्ण प्राप्ति है तो ये वाला स्टेटमेंट ये आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है आगे भी है यहाँ तक स्टेटमेंट यह कथन किसका है तो स्टेटमेंट को आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज़ और याद कैसे रहेगा आपको दो तीन बार आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप देखते साथ उसका आंसर को क्लिक कर पाएंगे तो क्लास के बाद जरूर से आप लोग रिविज़न कर लीजिएगा इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रेडरिक ट्रेसी जो हैं इस कथन को दिए हैं ये कथन उन्होंने कहा है अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रिटी की बात की जा रही है और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र मेल का आधार क्या है राष्ट्रीय अनुशासन ने हाँ अनुशासन है तो ये किसने कहा है ये वाला स्टेटमेंट राधा डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है और जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उसके स्टेटमेंट को आपको एजुकेशन पर उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है इसको एक दो बार जरूर देख लीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन ये भी एजुकेशनिस्ट हैं और विवेकानंद जी भी हैं फ्रेडरिक ट्रेसी भी है आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है यह किसने कहा है स्टेटमेंट दो बार फिर से और एक बार पढ़ते हैं राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है क्या बोल रहा है यहाँ पर जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है सबसे ऊपर किसका स्थान है शिक्षा का स्थान है यह किसने कहा है तो इस स्टेटमेंट को पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने कहा है अगर पूरा स्टेटमेंट नहीं भी याद हो पा रहा है ना तो की पॉइंट को पकड़िए और उससे जिस किसी ने भी उस स्टेटमेंट को दिया है उससे रिलेट करके आप लोग याद कर लीजिएगा अगला प्रश्न है शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का क्या अर्थ है जो एजुकेशन है इसका व्यक्तिक उद्देश्य यानी कि इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव है इसका क्या अर्थ है अपनी आत्मा का उत्थान करना अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना खूब बोलने की क्षमता का विकास करना या फिर अपनी शक्तियों योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना सारे ही जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं पॉजिटिव में दिए हुए हैं लेकिन इसमें एक चीज़ का बात किया गया यहाँ भी एक चीज़ का ऑप्शन डी जो है ना सारी चीज़ों को यहाँ पर बता रहा है जैसे कि शक्तियों शक्तियों का आपकी जितनी भी पावर है उस चीज़ का एबिलिटी है और कैपेसिटी है इसका क्या करना विकास करना यानी कि डेवलप करना ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है किसका एजुकेशन का शिक्षा का आगे है आई होप ये समझ में आ गया होगा और जो भी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है एक बार ज़रूर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता दिया जाएगा और जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो या फिर आप हाँ बाय पढ़ने की कोशिश करना आप लोग जैसे मैं यहाँ पर हिंदी में बता भी रही हूँ तो कुछ कुछ जो भी टर्म है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हिंदी में वो चीज़ मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ और आपको डरना नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर ये जो पेपर होने वाला है झारखंड बी एड एंट्रांस एग्जाम का उसमें बाय लिंग ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको दो दोनों तरफ देखना होगा हिंदी में अगर नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश वाला को देखिएगा इंग्लिश में नहीं आ रहे तो हिंदी वाला को एक बार ज़रूर से आप लोग रीड कीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा इस क्लास का निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनि आ, सुनिश्चित होता है यानी कि हम लोग क्या है स्टेजेस को पढ़े हैं नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा चार स्टेज जो कि है मानव विकास का या फिर हाँ मानव विकास का ही हम बोलेंगे चार स्टेज है यहाँ पर तो यहाँ पर बोला है कौन सी आयु कौन सा एज लेबल है जिसमें बालक का सामाजिक विकास सुनियोजित सुनिश्चित होता है तो कौन से स्टेज में होता है शेषावस्था में बाल्यावस्था में किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था में तो बालक का या फिर हाँ बालक का जो यहाँ पर सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट जैसे वो इस दुनिया में आ जाता है यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के ये आ, जीवन पर्यंत यह चलता है लाइफ स्पेन चलता है सोशलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ लाइफ स्पेन चलता है ये तो यहाँ पर बोला है कि कौन सी आयु स्तर में सामाजिक विकास सुनिश्चित हो जाता है तो ये शेषावस्था में ही इन्फेंसी में ही ये स्टार्ट हो जाता है शेषावस्था और सामाजिक यहाँ पर विकास की बात की गई है सोशल डेवलपमेंट की पूछेगा कि सामाजिक विकास क्या है तो ये एक प्रक्रिया है जो बर्थ से लेकर के कहाँ तक चलती है लाइफ स्पेन ये कॉन्टीन्यूस चलती ही रहती है बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है तो ये टॉपिक क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि ये कहाँ का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन सोशलाइजेशन का भी आप कह सकते हैं या फिर ये डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर इंक्लूड है आगे जो है ना ये बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है विद्यालय स्कूल में पास पड़ोस में परिवार में या फिर मित्र मंडली में तो आप भी जब आपका मदर टंग मातृभाषा जो घर में बोली बोली जाती है वो भाषा को कहाँ पर सीखे हैं आप ये परिवार में ही सीखते हैं कोई भी हो कुरमाली हो खोरटा हो संथाली हो और भी जो आपका मातृभाषा है वो परिवार के द्वारा ही परिवार भी एक संस्था है जहाँ पर हमें क्या मातृभाषा का विकास हमारा हुआ है मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है यानी कि आप यहाँ पर लॉजिकल लो, थिंकिंग कब कर पाते हैं कौन सी स्टेज में कर पाते हैं आप तो यहाँ है बाल्यावस्था चाइल्डहुड है और किशोरावस्था एडोलसेंस प्रौढ़ावस्था अडल्टुड या फिर जरावस्था तो जो यहाँ पर बोला गया है लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ कहाँ पर कहाँ से होती है तो ये बाल्यावस्था में होती है बाल्यावस्था से हो जाती है शेषावस्था से नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं वहाँ पर तर्क वितर्क बच्चे नहीं कर पाते हैं तो ये स्टार्ट होता है बाल्यावस्था में आगे क्वेश्चन है विद्यालय की समस्याओं के हल में एक अध्यापक को यानी कि विद्यालय में कुछ समस्याएं होगी हो गई है तो उसमें उसके हल में यानी कि सॉल्व करने में अध्यापक को क्या करना चाहिए प्रधानाचार्य को आवश्यकता अनुसार परामर्श देना चाहिए प्रधानाचार्य को ही इसके लिए उत्तरदायी समझना चाहिए पहल करके अपनी ओर से परामर्श देना चाहिए या फिर प्रधानाचार्य को यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए थर्टी नाइन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है छात्र अधिक होशियार नहीं है छात्र कला विषय छोड़कर विज्ञान अध्ययन करने के लिए आपके पास सलाह लेने आता है तो आपकी सलाह क्या होगी यानी कि यहाँ पर बोला है कि जो बच्चा है ना वो होशियार नहीं है कला विषय आर्ट्स वाला सब्जेक्ट को वो क्या कर रहा है आ, छोड़ करके वो कहाँ पर आ रहा है साइंस पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए आपके पास सलाह लेने वो सजेशन लेने के लिए आ रहा है तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे विज्ञान विषय छोड़ कर कोई अन्य विषय ले लीजिए ऐसे आप कहेंगे क्या नहीं क्योंकि बच्चा आर्ट्स को छोड़ करके के वो किधर आ रहा है साइंस की ओर आ रहा है तो ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे और विज्ञान विषय लेने के लिए ट्यूशन लगानी पड़ती है आजकल अगर किसी के पास आप जाइएगा तो ये वाला बोला जाता है ट्यूशन करना पड़ेगा साइंस लेके पढ़ना है तो इस टाइप से लेकिन आप एक टीचर हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ पर बताना है साधारण छात्रों के लिए विज्ञान विषय उचित नहीं है ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बच्चा अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपसे फिर भी कुछ सलाह लेने आ रहा है तो इस तरह का हमें स्टेटमेंट या फिर इस तरह का सलाह हमें उनको नहीं देना चाहिए अब देखो चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ना सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि व्यवसायिक शिक्षा ले ले इस तरह का आप बच्चों को सलाह देंगे यानी कि प्रोफेशनल जो एजुकेशन होता है प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्स कर लो करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों को सलाह दे सकते हैं कक्षा में कुछ छात्र उदंड हैं जो सही छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं ऐसे आप भी रहे होंगे या फिर आप भी तो पढ़ के ही आए हैं तो आपको भी पता होगा कि ऐसे हर एक क्लासरूम में बच्चा होता है जो उदंड होता है और दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब जरूर करेगा पढ़ने में तो इस तरह से आप एक टीचर हैं तो आप सोचिए कि आप क्या यहाँ पर करने वाले हैं इस परिस्थिति को अनदेखी करेंगे अनदेखी नहीं करना है आपको उदंड छात्रों में मेल जोल बढ़ाया जाए मेल जोल आप क्या बढ़ाएंगे आप टीचर हैं तो उदंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए या फिर पढ़ने वाले लोगों को उनसे लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे नेगेटिव चीजें आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं करनी है ये नहीं होगा आंसर कि मैं ये दिया हुआ है लेकिन आप किसी को बिना दबा नहीं सकते हैं उसका मतलब ये उदंड क्यों कर रहा है उसके पीछे का ना कारण को आपको जानना है कारण को जानने के बाद उसको क्या करना है उस कारण को दूर करना है यानी कि समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा तो इस तरह का आंसर होना चाहिए था यहाँ पर आगे है शिक्षण की प्रणालियाँ हैं किसकी प्रणालियाँ बोल रहा है शिक्षण की तो यह व्याख्या है स्पष्टीकरण है और वर्ण वरेन, वर्णन प्रणाली है और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त सब उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को अंत क्रियात्मक प्रक्रिया माना है ये दो हज़ार तेईस में भी आया हुआ था क्वेश्चन कौन से शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने शिक्षा को क्या कहा है अंत क्रियात्मक प्रक्रिया कहा है तो ये फलेंडर ने कहा है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दो हज़ार एग्जाम में पूछा था शिक्षण क्रिया के तत्व जो ये टीचिंग प्रोसेस होता है उसके कितने एलिमेंट हैं आपको बताना पड़ेगा और थ्योरी क्लास में मैं आपको बताई भी हूँ तो टीचिंग जो है ना ये एक क्या है प्रोसेस है और इसमें कुछ एलिमेंट है जिसको होना ज़रूरी है तभी टीचिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट पूर्ण माना जाएगा तो कौन कौन से वो तीन एलिमेंट हैं सबसे पहले तो टीचर होगा और उसके साथ में कौन होगा स्टूडेंट होगा अगर इन दोनों में से कोई एक गायब हो जाता है तो यहाँ पर टीचिंग प्रोसेस जो है ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा ये दोनों का रहना मैंडेट्री है और साथ ही साथ यहाँ पर करिकुलम का होना बहुत ज़रूरी है यानी कि जॉन डीवी जो है ये कहते हैं क्या कि शिक्षण जो है टीचिंग जो है ये ट्राईपोलर प्रोसेस है जिसमें शिक्षक होंगे विद्यार्थी होंगे और यहाँ पर पाठ्यचर्या होगा तो ये आपको याद रखना है तीन एलिमेंट इसके होते हैं शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होते हैं कौन क्लासरूम में डिपेंड रहता है क्लासरूम में कौन कौन होते हैं पहले ये जानेंगे टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है अब टीचर और स्टूडेंट में कौन डिपेंड रहेगा तो जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टीचर डिसाइड करेगा कि आज कैसे क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है तो ये जितने बच्चे होते हैं वो शिक्षक के ऊपर आश्रित होते हैं तो क्लासरूम की अगर बात यहाँ पर की गई है शिक्षण कार्य में अगर बात की गई है तो ये छात्र क्या होते हैं ये आश्रित चर होते हैं और यहाँ पर पूछता कि आ, इंडिपेंडेंट यहाँ पर बोला ना डिपेंडेंट वेरिएबल बोलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है टीचिंग जो कार्य हो रहा कार्य हो रहा है इसमें तो ये शिक्षक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है शिक्षण का यहाँ पर बोला टीचिंग का मेन फंक्शन या फिर प्रमुख कार्य क्या है निदान करना निदान को क्या कहते हैं डायग्नोसिस कहा जाता है डायग्नोसिस यहाँ पर डायग्नोसिस होगा उपचार यानी कि ट्रीट करना ट्रीटमेंट करना मूल्यांकन को क्या करना इवेलुएट करना तो देखो आप जब बीमार होते हैं ना तो आप किसके पास जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं है। और डॉक्टर यहाँ पर क्या करता है सबसे पहले निदान करता है डायग्नोसिस करता है आपको चेक करेगा फिर बताएगा कि क्या बीमारी है आप में कौन से डिजीज़ है हो सकता है मलेरिया है ठीक है तो डायग्नोसिस करके यहाँ पर पता लगा लिया कि क्या है मलेरिया है अब डॉक्टर यहाँ पर क्या क्या मलेरिया बीमारी का पता लगाया उसके बाद क्या करेगा इस बीमारी का वो इलाज करेगा फिर दवा वगैरह देगा उसके बाद दवा लेने के बाद आप ठीक हुए कि नहीं हुए इसका इवाल्युएट वो करेगा तो उसी तरह यहाँ पर टीचिंग में भी अप्लाई होता है सबसे पहले बच्चों को आप क्या करेंगे निदान करेंगे उसके बाद यहाँ पर उपचार करेंगे फिर उसका असेसमेंट या फिर इवालुएट करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा टीचिंग का जो प्रमुख या फिर शिक्षण का प्रमुख कार्य ये तीनों ही होता है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण में शिक्षण से संबंधित नहीं है यानी कि इनमें से कौन सा, साइकोलॉजी क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिक को हाँ मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं।, तो नहीं है आकांक्षा स्तर रुचि अभिप्रेरणा या फिर बुद्धि तो क्या यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है मनोविज्ञान गुण इनमें से शिक्षण से कौन सा संबंधित नहीं है रुचि यानी कि इंटरेस्ट ये है हम लोग आप जब पढ़िएगा मनोविज्ञान साइकोलॉजी तो आपको इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा बच्चों को इंटरेस्ट है या नहीं है ये इस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे अभी प्रेरणा मोटिवेशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे बच्चे अगर डी हो गए हैं पढ़ाई को लेकर के तो उसको किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे ये भी आप कहाँ पढ़ेंगे मनोविज्ञान में पढ़ेंगे बुद्धि इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन इसमें से आकांक्षा स्तर जो है एस्पिरेशन लेवल जो है ना ये वैज्ञानिक गुण से संबंधित नहीं है तो ये आकांक्षा स्तर इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षकों का शिक्षकों का समाज में ऊंचा स्थान होना चाहिए क्योंकि वे जो टीचर्स होते हैं समाज में उनका पोजिशन कैसा होना चाहिए ऊंचा होना चाहिए लेकिन क्यों क्योंकि वे क्या करते हैं जो उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए शिक्षा का दान करते हैं क्या इसलिए उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए या फिर अधिक मानसिक श्रम करते हैं हार्डवर्क करते हैं वो या फिर देश के कर्णधारों का सर्वांगीण विकास का प्रयास करते हैं संतोष की प्रतिमूर्ति करते हैं तो एक टीचर क्या करता है देश के कर्णधारों का सर्वांगीण विकास करता है राउंड डेवलपमेंट करता है कौन करता है तो ये टीचर ही करता है और करने की ये प्रयास भी करते रहता है ताकि बच्चा आगे चल कर के लाइफ में स्टेबल हो जॉब पा सके उसका सर्वांगीण विकास हो सके सर्वांगीण विकास में सब तरह का विकास वहाँ पर हो जाएगा आजकल तो क्या कर रहे हैं बस शिक्षा का उद्देश्य यही है ना कि मतलब बच्चा स्टेबल हो अगर नौकरी नहीं भी मिल रही है उसको तो वो जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ वो कमाकर खा सके तो ये सब कौन करता है टीचर ही एक बच्चे को इस तरह से वो क्या करता है ट्रीट करता है शिक्षित करता है उसका सर्वांगीण विकास करता है इसीलिए शिक्षकों का समाज में ऊंचा स्थान होना चाहिए एक टीचर ही है जो आई ऑफिसर भी बना रहा है जो आई ऑफिसर है ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही बन गए खुद से ही बन गए नहीं उसमें भी किसका हाथ है अपने शिक्षकों का हाथ है तो इसीलिए शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए ऊँचा होना चाहिए एक सफल अध्यापक वह है जो सामान्यता हम एक सफल सक्सेसफुल टीचर किसको मानेंगे अपनी कक्षा को नियंत्रण कर सके जो अपने क्लासरूम को कंट्रोल में रख सके क्या हम उसको कहेंगे नहीं कंट्रोल में आपको नहीं रखना है प्रधानाचार्य को संतुष्ट कर सके यानी कि आप अपने जो प्रिंसिपल है हेडमास्टर है उसको बस आप सेटिस्फाई कर रहे हैं ये भी नहीं करना है छात्रों की ज्ञान पिपासा पूरी कर सके या फिर प्रभावी ढंग दे, से अध्यापन कर सके राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर प्रभावी ढंग से अध्यापन कर सके यानी कि वो इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को टीच करा सके ये एक सक्सेसफुल टीचर का क्वालिटी होना चाहिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट है किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट है उस चीज़ को स्टूडेंट्स के बीच में सरलता में बहुत ही इजी वे में क्या कर रहे हैं अध्यापक आ, सिखाने के लिए आप अगर सिखा रहे हैं अपने बच्चों को सरलतापूर्वक तो इसके लिए आपके अंदर जो है ना सबसे अच्छा या फिर सबसे पहला वो कौन सा गुण होना चाहिए तो यहाँ पर आत्मविश्वास से प्रभावी अभिव्यक्ति है हृदयता है और विषय वस्तु का ज्ञान है तो यहाँ पर प्रभावी अभिव्यक्ति राइट आंसर हो जाएगा जैसे खान सर को हम लोग देखते हैं ना कितना भी टफ वाला टॉपिक क्यों ना हो वो बहुत ही इजी वे में क्या करते हैं वो बता देते हैं तो विषय वस्तु का ज्ञान तो है ही लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए प्रभावी होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति होगी तो वो जितना भी हार्ड टॉपिक रहे वो आसानी से बच्चों को समझा पाएगा तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है यदि आपको प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य का पद मिल जाए तो आपका लक्ष्य क्या होगा यानी कि यहाँ पर आपको प्रिंस हेड मास्टर का क्या मिल रहा है पद आपको मिल रहा है तो आप क्या करेंगे अपने विरोधी अध्यापिकाओं को निकाल देंगे ऐसा नहीं करना है आपको आप एक प्रिंसिपल हैं तो आपको सबको साथ लेकर के जाना है कुछ भी पार्शियलिटी आपको टीचर्स के बीच में नहीं करना है कि ये टीचर अच्छा है दूसरा टीचर ख़राब है ऐसे नहीं करना है आपको और देर से आने वाली अध्यापिकाओं का वेतन काट लेना है वेतन आपको नहीं काटना है आप बोल सकते हैं उसको कि आप लोग टाइम से आया कीजिए क्योंकि शिक्षक को ही देख के बच्चा क्या करता है खुद पर अमल करता है उसके आइडियल होते हैं टीचर बच्चों के तो इसीलिए प्रिंसिपल बोल सकता है कि आप लोग टाइम पर आइए ताकि बच्चे भी टाइम पर आ जाए उच्च अधिकारियों से मेल जोल बढ़ाना या फिर पूरी शक्ति के साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन ऑप्शन को ना आप लोग एलिमिनेट करते हुए चलेंगे ठीक है जो मतलब नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है उसको तो पहले ही काट देना है आपको उसके बाद अगर दो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव ऑप्शन मिल रहे हैं तो उसमें जो ज़्यादा स्वेटेबल होगा उसको आप लोग आंसर कर करके आएंगे और ओ एम आर सेट मिलेगा एक सोच समझ कर ही आंसर करना है क्योंकि एक बार आप गोला भर देंगे तो उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं आगे क्वेश्चन है अनुशासनहीन बच्चों के बारे में आपकी धारणा है इन्हें चाहिए यानी कि जो डिसिप्लिन में बच्चे नहीं रहते हैं उसके प्रति उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है जो कि अनडिसिप्लिन चाइल्ड है यहाँ पर प्यार परामर्श और नियंत्रण करेंगे नियंत्रण दे के काट देना है स्नेह सुरक्षा और धन देंगे धन नहीं देना है सुरक्षा प्रोत्साहन और करुणा करेंगे अनडिसिप्लिन वाले बच्चे हैं तो आपको वहाँ पर सुरक्षा क्या ही कैसे आप कर सकते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दंड सहायता दिशा निर्देशन भी आप कर सकते हैं दंड वैसे नहीं देंगे आप बच्चों को लेकिन उसको समझा सकते हैं बता सकते हैं कि ऐसे इस तरह का हरकत नहीं करनी चाहिए आगे क्वेश्चन है विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बालकों के समायोजन में एडजस्ट एडजस्ट करने में करने के लिए कौन सा कार्य को कौन सा काम एक टीचर स्कूल में नहीं करेगा कठोर दंड देगा क्या आप अपने बच्चों को कठोर दंड देंगे बिल्कुल ऐसे नहीं करना है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये आप कर सकते हैं आप बच्चों के साथ व्यक्तिगत शिक्षण ये भी कर सकते हैं संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे तो जो संवेग इमोशनल स्टेबिलिटी आपको नहीं लाना है आपको स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कठोर दंड देगा या फिर आप हाँ ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा कि विद्यालय में शिक्षक जो है बालकों के समायोजन के लिए आप उसको दंड नहीं दे सकते हैं ऐसे में बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट होगा इसीलिए आपको दंड नहीं देना है कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है देखिए आपको ना एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा समायोजन और कुसमायोजन तो समायोजन होता क्या है समायोजन जो है ना आप वातावरण के अनुकूल या फिर अपनी जो ज़रूरत है उसके आवश्यकता के अनुकूल आप क्या कर रहे हैं अपने आप को अडाप्ट कर ले रहे हैं तो उस चीज़ को समायोजन कहेंगे और अगर आप अपने आवश्यकता के अनुकूल वातावरण में खुद को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को नहीं ढाल पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कुसमायोजित हो जाएगा अब माल एडजस्टमेंट उस चीज़ को हम लोग कहेंगे आगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है यानी कि माल एडजस्टमेंट जो पर्सन होता है उसका यहाँ पर लक्षण क्या है मन व बुद्धि स्थिर मन व बुद्धि अस्थिर प्रसन्नता या फिर विद्वता तो यहाँ पर कुसमायोजित बोला है माल एडजस्टमेंट बोल बोला है तो यहाँ पर जो है ना मन यानी कि आपका माइंड जो है और इंटेलेक्ट बुद्धि इसमें क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा अनस्टेबल माइंड एंड इंटेलेक्ट आपका जो मन है वो स्थिर ही नहीं रहेगा आप कुछ से कुछ इधर उधर इधर उधर सोचते ही रहेंगे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ये चीज़ हो जाएगा कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण आगे है समायोजन जो है ना वह प्रक्रिया देखो यहाँ पर एडजस्ट का समायोजन का यहाँ परिभाषा भी दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं समायोजन क्या है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी जो है प्राणी क्या करता है अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति, पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है ये समायोजन का एक स्टेटमेंट है तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है ये बोरिंग लेगफेल्ड और वेल्ड के द्वारा इन तीनों के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है इसको और एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और समायोजन का परिभाषा भी यही है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक का श्रेय किस मन को जाता है यानी कि इसका जो क्रेडिट है ये किसको जाता है तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा दमन दमन मतलब रिप्रेशन कर देना कोई अगर कुछ करना चाह रहा है तो उस चीज़ को आप करने ना दे करके उसको क्या कर रहे हैं दबा दे रहे हैं तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजोफ्रेनिया का संबंध किससे है तो ये मनोरोग से है साइकियाट्री से इसका संबंध है किसका तो सीजोफ्रेनिया का व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसको जानने के लिए आप कौन कौन सी विधियों का कौन कौन से मेथड्स का आप यूज़ करेंगे बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस यहाँ पर उसका परीक्षण करेंगे बुद्धि का या फिर व्यक्ति इतिहास विधि रुचि परीक्षण या फिर उपयुक्त सभी तो आपको क्या करना है व्यक्तिगत विभिन्नता को या फिर विभेद को जानने के लिए आप इन तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है इंडिविजुअल डिफरेंस किस तरह से आप बोल सकते हैं हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्या होता है अलग क्वालिटीज़ होती ही है चाहे अगर जुड़वा बच्चा भी होगा ना वो भले दिखने में सेम होगा लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे एकदम अलग होंगे तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस में उसकी रुचि भी अलग हो सकती है और भी चीज़ें जो है वो शारीरिक बनावट भी अलग हो सकती है और उसका बौद्धिक जो वो सोचने समझने की शक्ति है वो भी अलग अलग हो सकती है तो व्यक्तिगत विभिन्नता कैसी होती है बौद्धिक इंटेलेक्चुअल होती है फिजिकल भी होगा व्यक्तिगत संबंधी यानी कि पर्सनल रिलेशन या उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है अगर एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज होगा तो उसको किस चीज़ में हेल्प हो सकती है शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन में एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल प्रोफेशनल यहाँ पर गाइडेंस प्रोफेशन गाइडेंस देने में एक टीचर को यहाँ पर हेल्प हो सकती है या फिर छात्रों के वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्ड और है शिक्षण uh, विधि के चयन में या फिर सिलेक्टिंग टू सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा इसीलिए एक टीचर को ना इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा टीचिंग मेथड्स को लाएगा बच्चे किस तरह से उस चीज़ को समझेंगे टॉपिक को तो उस तरह से वो अरेंजमेंट भी कर सकेगा इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए तो ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए जो एजुकेशन का मैनेजमेंट होगा वो किस तरह का होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा देखो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि सारे बच्चों को वो ज़रूरतमंद बच्चे हो या फिर कुछ इस, आ, मतलब ज़्यादा जानने वाले बच्चे हों तो सभी बच्चों को ना एक साथ आपको ले करके चलना ये इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ना पड़ेगा तो विशेष ज़रूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए जो दूसरे सामान्य जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा विशेष विद्यालय उनको नहीं भेजेंगे विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा ये भी नहीं करना है आपको सामान्य बालकों के साथ ही बैठाना है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बिहेवियर ऑफ चाइल्ड स्टडी उसका स्टडी किया जाता है तो वो किस तरह का स्टडी होता है समस्यात्मक बालक का कर सकते हैं यानी कि जो प्रॉब्लमेस्टिक चाइल्ड होते हैं उनका या फिर कम गति से सीखने वाले बालक का मंदबुद्धि बालक का इनमें से सभी तो यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लोग बालकों के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं चाहे वो प्रॉब्लम वाला बच्चा हो या फिर धीमी गति से सीखने वाला बच्चा हो मंद बुद्धि वाला बच्चा हो या फिर नॉर्मल बच्चा हो तो ये कहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया था सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में किसने किया था तो ये किल पैट्रिक के द्वारा किया गया था ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया यानी कि नेशनल करिकुलम ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज वाज क्रिएट कब इसको बनाया गया तो इसे कब बनाया गया था 2005 में दिवास्वप्नों स्वप्नों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है डे ड्रीम आप कौन से स्टेज में देखते हैं वयस्क अवस्था में किशोरावस्था में बाल्यावस्था में या फिर शेषावस्था में तो जो हम लोग यहाँ पर डे ड्रीम देखते हैं ये किशोरावस्था में देखते हैं और ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है हर किसी के लिए जो भी इस स्टेज में बच्चा रहता है उनको समझ में नहीं आता है कि लाइफ में करना क्या है और जो अदर जेंडर है उसके प्रति भी अट्रैक्शन होता है तो इसी में क्या होता है डे ड्रीम देखा जाता है बॉय हो या गर्ल हो ये बस ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि मेरी वाली मेरा वाला कैसा होगा क्या कर रहा होगा सोच सोच के बस यहाँ पर स्माइल ही करते रहते हैं वो डे ड्रीम देखते रहते हैं यही नहीं और भी अदर चीज़ों को वो सोचता रहता है वो सपने उस चीज़ का देखते रहता है नेक्स्ट है सिगमन फ्राइड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ये चीज़ होता है और ये जनरली आपको हर जगह देखने भी मिलेगा कि जो यहाँ पर बेटी है जो कि डॉटर है ये इनका संबंध माँ जी माता जी से ज़्यादा अपने पिता से होता है अच्छा है ना झुकाव ज़्यादा होता है और बेटा का क्या होता है माँ के प्रति झुकाव होता है तो ये चीज़ आप लोग अपने घरों में भी देख सकते हैं न? या फिर देखे भी होंगे और ये हमारे साथ होता है एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है एक अच्छा शिक्षक कौन होता है जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें अधिक ध्यान देता है गरीब तथा कमज़ोर छात्रों पर क्या वो अच्छा टीचर कहलाएगा या फिर प्रतिभाशाली छात्रों पर जो बहुत ज़्यादा जानते हैं वैसे वैसे बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं वो टीचर अच्छे कहलाएंगे या फिर अपंग तथा मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर या ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर होगा तो जो अच्छा टीचर होगा ना उसका ध्यान टीचिंग यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग में सभी प्रकार के बच्चों पर ध्यान रहेगा गरीब हो कमज़ोर हो इससे मतलब नहीं गरीब से तो मतलब ही नहीं रहता है उनको सबको एक साथ लेकर के चलना होता है सब एक समान होते हैं क्लासरूम में आते हैं तो टीचर के लिए इसीलिए किसी भी तरह का यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा पाठ्यचर्या दो हज़ार के अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया गया है यहाँ पर क्या बोला है पाठ्यचर्या जो करिकुलम 2005 है जो एन सी एफ आया था ना उसकी बात कर रहे हैं क्या हाँ वही है यहाँ पर तो इसके अनुसार अध्यापक के गुणों को वर्गीकृत किया है कितने भागों में तो ये दो वर्गों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है यानी कि नेशनल करिकुल करिकुलर, करिकुलर आ, एन सी एफ फ्रेमवर्क 2005 वाला जो है इसमें किसकी बातचीत की गई है तो यहाँ पर जो है ना ज्ञान अस्थाई है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना होती है तो ये इसका राइट आंसर होगा आगे देखते हैं एन 2005 के अनुसार गणित शिक्षा कैसा होना चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित आप देखो पढ़ा रहे हैं वो गणित शिक्षण हो या फिर कोई भी एक्स वाई जेड शिक्षण हो उसका यहाँ पर झुकाव जो होता है वो बाल केंद्रित ही होता है चाइल्ड सेंटर्ड ही होगा यहाँ पर टीचर सेंटर्ड या फिर अदर कक्षा कक्ष केंद्रित ये सब नहीं होगा टीचर सेंटर्ड ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और आप टीचर को सॉरी टीचर नहीं होगा यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड होगा टीचर नहीं होगा पहले जो था ना ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करता था जैसे कि गुरुकुल सिस्टम में आप देखेंगे तो वहाँ पर लेकिन अभी ये क्या चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दिया जा रहा है आप टीचर बन जाएंगे तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है टीच कराना है बच्चों को उनको लर्निंग करानी है यह बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं फोर्टी क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट हुए फोर्टी में से कमेंट करके बताइएगा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिएगा